रजनीकांत बने मोहिद्दीन भाई लाल सलाम का फर्स्ट पोस्टर हुआ आउट। फाइनली पोस्टर रिलीज होते ही फैंस में दिखा जबरदस्त एक्साइटमेंट। वेल, भारतीय सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर स्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म लाल सलाम के पोस्टर हो चुके हैं आउट। और अब इस फिल्म से रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत डायरेक्शन की दुनिया में वापसी कर रही हैं। 8 मई को लाइका प्रोडक्शन और ऐश्वर्या ने लाल सलाम का पोस्टर रिलीज किया। इस फिल्म में रजनीकांत का कैमियो रोल है और इसमें मोहिद्दीन भाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट लुक पोस्टर में रजनीकांत बढ़ी हुई दाढ़ी, चश्मे और सिर पर लाल टोपी के साथ अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के अगले स्केड्यूल की शूटिंग बेसिकली मुंबई में शुरू हो रही है। देखा जाए तो रविवार को रजनीकांत मुंबई पहुंच गए हैं और सोशल मीडिया पर उनके इस फर्स्ट लुक पोस्टर को साथ ही वायरल कर दिया गया है, जिसमें वह प्रीमियम लग्जरी कार की बजाय वेल इनोवा SUV में आ रहे हैं नजर। आधी रात को फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए ऐश्वर्या रजनीकांत ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मोहिद्दीन भाई स्वागत है, लाल सलाम, जब आपके दिल की धड़कन तेज हो तो कैप्शन लिखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में लाल सलाम फिल्म को जहां ऐश्वर्या रजनीकांत डायरेक्ट कर रही है, तो वहीं इसमें विष्णु विशाल और विक्रांत लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में रजनीकांत का एक्सटेंडेड कैमियो है। इस फिल्म में AR रहमान म्यूजिक दे रहे हैं, जबकि इसके सिनेमेटोग्राफर विष्णु रंगसामी है। यह फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज हो सकती है। बताया जाता है कि लाल सलाम एक क्रिकेट ड्रामा फिल्म है। इसके पहले शेड्यूल में शूटिंग अप्रैल महीने में पूरी हो चुकी है, जबकि अब मुंबई में शूट होना है। फिल्म इसी साल के अंत में देश भर में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ऐश्वर्या रजनीकांत और नायका प्रोडक्शन फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करने की तैयारी में है। तो आप सभी एंजॉय करें रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म लाल सलाम का ये जबरदस्त पोस्टर। और रजनीकांत को मोहिद्दीन भाई के अंदाज में देखकर आपको कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।